एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में खलारी में एससी एसटी संगठनों के द्वारा बंद की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाला गया। एससी एसटी समुदाय के दर्जनों लोग डकरा अम्बेडकर पार्क पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए मशाल जुलूस निकाला। यह मशाल जुलूस डकरा अम्बेडकर चौक से निकलकर डकरा महाप्रबंधक कार्यालय तक पहुंचा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि 21 अगस्त को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी चीजों को बंद रखा जाएगा। इसके लिए सुबह से ही समुदाय के लोग सड़क पर उतरेंगे और बंद को सफल बनाएंगे। इस मौके पर रंथूराव, रामलखन गंजू, देवपाल मुंडा, इंदिरा देवी, महेंद्र उराव, बहुराम मुंडा, जंग बहादुर राम, कन्हाई पासी, प्रभाकर गंजू, अनुप्रजक, ध्वजा राम धोपी, अनीता गंजू सहित कई लोग मौजूद थे। आप सबको पता है बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान हम लोगों के लिए रक्षा के लिए जो संविधान उन्होंने बनाया था सर्वोच्च उच्च न्यायालय द्वारा उस आरक्षण को भी वर्गीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। आप सबको मालूम होगा कि एक समय में हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाती थी, लेकिन हम लोगों को 4 वर्ण में बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और उसके बाद आप सब देख सकते हैं कि सोने की चिड़िया कहने बोलने वाली दिए देश आज कहां से मतलब किस स्तर पर है। आज उसके बाद भी हम लोगों को जो आरक्षण मिला है उसमें भी वर्गीकरण करने का काम किया जा रहा है, जिसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेके संपूर्ण भारत बंद कल रहेगा और हम यहां जितने भी तमाम जितने भी दुकान वाले हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं और सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि कल आप लोग हम लोगों के बंदी में समर्थन करें। धन्यवाद। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है और उस संविधान में अभी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के द्वारा हर साल बने हम लोग को छेड़छाड़ आदिवासी एससी एसटी का जो संविधान उसमें करते आया है, इस बार भी करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजों के द्वारा नियुक्ति करके इस बार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और 21 तारीख को संपूर्ण भारत बंद रखेंगे। अभी तो अंगड़ाई है, अभी लड़ाई बाकी है, इसलिए हम लोग तमाम साथियों से आग्रह करते हैं 21 तारीख को आए और संपूर्ण यहाँ पर जितने भी दुकानदार व्यवसाय संघ है इस बंदी में सफल बनाने कार्य करें और सभी को धन्यवाद। आए हुए सभी सज्जनों को धन्यवाद। 21 तारीख के पूर्व संध्या पर हम लोग खलारी कोलांचल एनकेरिया में एससी एसटी के आरक्षण के उपवर्गीकरण में क्रिमिनल लेयर में लाने के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसे निरस्त करने के लिए हम लोग मांग करते हैं कि हमारा जितना तमाम यहाँ व्यवसायी संघ है, टेम्पू चालक है, खदान है, महाप्रबंधक है, डिस्पैच है, ट्रांसपोर्टिंग है, बस है, और व्यवसायी संघ से भी अपील करेंगे कि कल 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे रात तक बंद रखे। हम लोग अपील है और कल तमाम मेरे साथियों आप लोग इस बंदी के समर्थन में 6 बजे से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास पहुंचने का काम करें और हम लोग सब मिलकर फिर हम लोग जुलूस के शक्ल में जाके बंदी करने का प्रयास करेंगे। एक शब्द बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जवाहर। एसटीएससी सुप्रीम कोर्ट जो 1 अगस्त को क्रिमिनल लेयर जो एसटीएससी के लिए लागू किए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा, उसी के विरोध में आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं खलारी प्रखंड में। और 21 तारीख को एसटीएससी समुदाय के सभी लोग पूरे खलारी प्रखंड और भारत बंदी का समर्थन करते हुए
हम लोग कल पूरे खलारी क्षेत्र के कोयलांचल ट्रांसपोर्टिंग से लेके दुकानदार और जो सेवा संस्थाएं मेडिकल इस सब को छूट देते हुए सभी संस्थाएं बंद रखने का हम लोग आग्रह करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को आरक्षण के माध्यम से एक जो नौकरी प्राप्त करने का जरिया था उसे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने समाप्त करने की प्रयास कर रहे हैं क्रिमी लेयर लाके। ये हम लोग एसटीएससी के लिए बहुत ही घातक एक जन समस्या है, इसे हम लोग पुरजोर एसटीएससी वर्ग के लोग विरोध करेंगे और कल भारत बंदी को पूरी तरह से हम लोग समर्थन करते हैं और बंदी करेंगे खलारी प्रखंड को। धन्यवाद जवाहर। मशाल जुलूस के माध्यम से यहाँ के तमाम व्यवसायी दुकानदारों को आग्रह करने के लिए आए कि सुप्रीम कोर्ट के सात बेंचों द्वारा जो आरक्षण के खिलाफ एसटीएससी के आरक्षण के खिलाफ जो संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है उसके खिलाफ में 21 अगस्त को हम लोग संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किए हैं। आप सभी तमाम यहाँ के जो व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, छोटे मोटे व्यवसायी सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि कल हमारा समर्थन करें और बंदी रखें।